आपदा से देश में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस आपदा से सभी धर्मों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ हम धार्मिक बात नहीं करेंगे, केवल भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को पढ़ने वाली जयंती पर चर्चा करेंगे। सभी बहुजन संगठन लॉकडाउन के कारण सोशल मीडिया के माध्यम से इस बार बाबा साहब की जयंती अपने घरों में ही मनाने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरपी सिंह ने भी बहुत कुछ कहा। सुनिए आरपी सिंह क्या कह रहे हैं। साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मित्रों, इस महीने ये अप्रैल का महीना चल रहा है और इस महीने में लगभग सभी हमारे देश में रहने वाले सभी मजहबों का लगभग इस महीने में त्यौहार पड़ रहा है। अभी 2 अप्रैल को रामनवमी हुई, 6 अप्रैल को महावीर जयंती बड़े सादगी के साथ लोगों ने मनाई, आज शबे बारात है। मेरा सारे मुस्लिम भाइयों से आग्रह है कि घरों में रहकर ही नमाज अदा करें, देश और दुनिया में अमन और चैन कायम हो। कोरोना जैसी महामारी से देश और दुनिया में लोगों को राहत मिले और इसकी दुआ करें, इसके प्रयास करें और सब लोग घरों में रहें। कल 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे है। हमारे सारे क्रिश्चियन भाई सोच रहे होंगे चर्च में जाके प्रार्थनाएं हों, धूमधाम से गुड फ्राइडे मनाया जाए, परंतु देश और दुनिया के हालात देखते हुए हमारे देश में भी लॉकडाउन हो रखा है 25 तारीख की रात से, तो लॉकडाउन के चलते कोरोना की इस महामारी को देखते हुए घरों में रहकर ही प्रभु से प्रार्थना की जाए कि मानवता पे कोरोना के कहर से दुनिया को निजात मिले। घरों में रहकर ही प्रार्थनाएं की जाए, ये मेरा गुड फ्राइडे के अवसर पे अपने क्रिश्चियन भाइयों से, प्रभु ईशा के मानने वालों से निवेदन रहेगा। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की जयंती होगी और पिछले इतिहासों को देखते हुए पूरे विश्व स्तर पे दुनिया की तमाम देशों में, तमाम शहरों में और भारत के प्रत्येक शहर, गांव, देहात और हर नगर में बड़े धूमधाम से जयंती निकाली जाती है। आगरा में देश की सबसे बड़ी जयंती का जुलूस निकलता है जो रात भर भीम नगरी में ये निकलता है। तो इस बार लोगों के प्रश्न मेरे तक पहुंच रहे हैं कि सर अंबेडकर जयंती कैसे, किस प्रकार से मनाई जाए, कैसे किया जाए। तो मित्रों, मेरा इसके ऊपर ये कहना है और ये निवेदन है सभी अंबेडकरवादियों से, बाबा साहब के फॉलोवर्स से, सभी नर नारियों से, देश के सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए इस बार कोई जुलूस ना निकाला जाए, कोई भीड़ ना इकट्ठी की जाए और अंबेडकर चौराहों पर, अंबेडकर मूर्तियों पर प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वो साफ सफाई करा दें और एक एक करके कुछ लोगों को, सीमित लोगों को वहाँ माल्यार्पण करने का जरूर परमिशन किया जाए, जिससे सभी मूर्तियों पे सम्मान जब उनको सम्मान देने के लिए 129वीं जन्म जयंती के अवसर पे बाबा साहब की मूर्तियों पे कुछ लिमिटेड लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए वहाँ पे उनको अनुमति दी जाए। 5-10 लोगों को कुछ समय अंतराल के बाद उसका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वो दिया जाए और मेरा आम लोगों से, तमाम बंधुओं से, दमबंधुओं से मेरा निवेदन रहेगा कि 14 अप्रैल नज़दीक आ रहा है, घरों की अंदर बाहर से कायदे से सफाई की जाए, कोरोना को भगाया जाए, सैनिटाइज किया जाए अपने आस पड़ोस को और घरों से बाहर बिल्कुल ना निकला जाए और 14 अप्रैल के रोज
सभी अपने घरों को रोशन करें, मोमबत्तियां जलाएं, दिए जलाएं और बाबा साहब के जीवन, उनके दर्शन और उनके संघर्ष को लेकर के और उनके द्वारा रचित संविधान को लेकर के घर में अपने परिवार के साथ चर्चा की जाए, उन बच्चों को चीज़ें बताई जाएं, बुज़ुर्गों को सुना जाए और बच्चों के बीच उस रोज बाबा साहब की तमाम दर्शन के ऊपर बात की जाए और घर के अंदर उस रोज मिष्ठान बनाए जाएं, अच्छी अच्छी भोजन बनाए जाएं और बच्चों को साथ बैठ के खाया जाए। मित्रों, इसके अलावा मुझे एक निवेदन और करना है कि बाबा साहब की जयंती हो या शबे बारात हो या गुड फ्राइडे हो या और भी बड़े कोई त्यौहार हो, इस अवसर को हम मन में ये महसूस के ना बैठे कि हमें वो मनाने का मौका नहीं मिल रहा। आप घरों में मनाइए, घरों में रहिए, दुआ कीजिए। इसके अलावा आप इस महामारी से लड़ने के लिए बाबा साहब द्वारा दिए गए कानून का पालन करना, संविधान का पालन करना, सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये 100% हमें पालन करना है, तभी हम इस महामारी से 100% जीत पाएंगे। और इसके अलावा निवेदन करना है कि आपके आस पड़ोस में यदि कोई भूखा है, बीमार है, कोई दिहाड़ी मजदूर परेशानी में है, तो उसकी मदद के लिए जरूर आगे आएं और शासन प्रशासन से अनुमति लेकर के या उनका सहयोग लेकर के उन तक भोजन पहुँचाएँ, उन तक दवा पहुँचाएँ, उन तक जो भी राहत है वो पहुँचाएँ। रुपये पैसे से अगर मदद की जरूरत है तो रुपये पैसे से मदद की जरूरत है तो उसको मदद करें। और कहीं भी अगर कोई लोग गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जैसे कुछ मामले आए हैं कि मनरेगा का पैसा प्रधान जी ने पूरा निकाल लिया और उसको कम दिया, मजदूर को कुल 200 रुपया दिया, 2900 रुपये में से 4500 खुद रख लिया, 400 रुपया दिया, 2300 में से 200 रुपया मजदूर को दिया, 2100 रुपया रख लिया, अगर ऐसा कोई संज्ञानित हो रहा है तो ऐसे प्रधानों को, ऐसे लोगों को भी सावधान मैं करना चाहता हूँ कि वो होशियार हो जाएं और गरीबों का पूरा पूरा पैसा उन तक पहुँचाएं। और आप सब लोगों से एक बार पुनः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती का बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, गुड फ्राइडे कल है उसकी शुभकामनाएं देते हुए और आज शबे बारात है उसकी शुभकामनाएं देते हुए एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि घरों में रहिए, घरों में रहकर त्यौहार मनाइए, घरों में रहकर के कानून का पालन करिए, घरों से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। हम आने वाले समय में त्यौहार भी मनाएंगे, मेले भी जाएंगे, अपने नौकरी पे भी जाएंगे, अपने कामकाज भी बढ़ाएंगे, देश की आर्थिक व्यवस्था को भी आगे बढ़ाएंगे, परंतु फिलहाल घरों में रहने का वक्त है, इस महामारी को हराना है। जय भीम, जय भारत। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति संकट में है, परेशानी में है, तो वो अपने आस पड़ोस के लोगों को फोन कर ले और वहाँ से अगर मदद नहीं मिल रही तो शासन प्रशासन ने तमाम हेल्पलाइन जारी करी है। अगर कोई भूखा है, पीड़ित है, परेशानी में है, पानी की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, तो वो प्रशासन ने तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, कलेक्टर के नंबर जारी हुए हैं, डॉक्टर के नंबर जारी हुए हैं, SP के नंबर जारी हुए हैं और हेल्पलाइन नंबर 112 जारी हुआ है। तो इन दिल्ली से भी नंबर होम मिनिस्ट्री ने जारी किए, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी, उन नंबरों पर आप फोन करिए। और आपके आस पड़ोस में यदि कोई कोरोना से संक्रमित शक है कि कोई संक्रमित है तो उसको तुरंत बाहर ले आइए। उनके परिवारजनों से भी मेरा निवेदन है, उनसे भी निवेदन है कि वो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, अपना टेस्ट कराएं। ये बीमारी से मरेंगे नहीं, ये बीमारी सबको नहीं ले जाने वाली है, परंतु इस देश की हालत खराब हो रही है, दुनिया की हालत खराब हो रही है, इससे मरने वाले 2% है, परंतु अगर टाइम से इसका इलाज होगा, टाइम से आप टेस्ट करा लेंगे तो दूसरों को आप बचा लेंगे, अपने परिवार वालों को बचा लेंगे, अपने देश को बचा लेंगे और इस दुनिया को बचा लेंगे। ये महान काम करना है। यदि कोई पीड़ित है इस बीमारी से, संक्रमण की कोई शिकायत भी है किसी भी प्रकार की, तो वो टेस्ट जरूर करा ले। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।